आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक टू, जो कि टॉपिक वन का कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द यूनिट 5 लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10th साइंस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली 5 टॉपिक्स। अब पहला है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम ऑटोट्रॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले एक वीडियो के अंदर। सेकंड है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड लेता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम छोटे यूनिसेल्यूलर जो सिंगल सेल से बने हैं और आगे जाके जो मल्टी सेल्यूलर बने हैं उनके अंदर सबका डिफरेंस अलग अलग है। थर्ड टॉपिक है न्यूट्रिशन, क्या क्या ले सकते हैं वो। फोर्थ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन कैसे फूड को यूज़ करता है उसकी एनर्जी बनाने के लिए। और लास्ट में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज़म्स अपना खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस से, उनको किसी ना किसी ऑर्गेनिज़म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब कोई एक ऑर्गेनिज़म किसी दूसरे ऑटोट्रॉप्स पे, मतलब या तो प्लांट या किसी एनिमल पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, बहुत सारे एनिमल्स और फंगाइज। अब यहाँ पर हम हेटरोट्रॉपिक को और 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब इतना सा है कि जो भी एनिमल सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है और उसका ब्रेकडाउन करता है बॉडी के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक, मतलब बॉडी के अंदर। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए या सड़े गली चीज़ों पर डिपेंड करता है या फीड करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल फंगा, हमने देखा है जितने भी फंगस हैं वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे उगती है, जो भी ख़राब चीज़ें या सड़ी हुई चीज़ें उन पे ही आती हैं। जैसे कि ब्रेड मोल्ड ले सकते हैं हम, उसके ऊपर भी फंगा आता है। रोटी ले सकते हैं हम, उसके ऊपर भी फंगा आता है। द नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा परजीवी का मतलब होता है पैरासाइट, जो बाहर किसी की बॉडी के या बॉडी के अंदर रह सकता है और उससे क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, यानी उससे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लेता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा हो तो दूसरे का नुकसान हो, या किसी एक ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा हो और दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो, या दोनों का ही फ़ायदा हो। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आगे जाके और में भी डिवाइड होता है, पर हमें अभी यही पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही पढ़ना है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज़म अपना फूड कैसे लेता है, और इस ऑर्गेनिज़म जिसके नाम हम लेने वाले हैं वो है अमीबा और पैरामेशियम, जो कि कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सिंगल सेल के बने हुए हैं। आपके लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है जिस जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा का, और उसी के जस्ट अपोजिट साइड में, जो कि राइट साइड में, आपका एक स्टेप बनी हुई है जिसके अंदर अमीबा फूड कैसे इंटेक करता है उसकी प्रोसेस है। तो ये दोनों साथ में चलेगी, पर मैं स्टार्ट करता हूँ कौन से वाले टॉपिक से। फ्रॉम द राइट साइड, अमीबा सूडोपोडिया की मदद से अपने हाथों को आगे करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है। उसके पास में जो पड़ा हुआ फूड है उसको कैप्चर करता है और एक गोलाकार शेप के अंदर ले लेता है। इस गोल चीज़ को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर वो अपने जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाल देता है, और किसको डाइजेस्ट कर देता है, पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देता है। बाद में सारा का सारा डाइजेस्टेड मटेरियल वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो बचा हुआ खाना रह जाता है जो उसको नहीं लेना है, वो अपनी बॉडी के सरफेस से बाहर थ्रो कर देता है। ये एक सिंपल सी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म फूड टेकन बाय अमीबा, मतलब अमीबा इस तरीके से अपना पूरा का पूरा खाना अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। एक चेंज ये है पैरामेशियम के अंदर, जो कि भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ है। उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, और वहाँ पर जैसे कि अमीबा के अंदर वो कहीं से भी अपनी आर्म को एक्सटेंड करके फूड को ले सकता है, पैरामेशियम ऐसा नहीं कर सकता है। पैरामेशियम के अंदर स्पेशल स्पॉट्स होते हैं जिसकी मदद से ही वो अपना खाना इंटेक कर सकता है। ये जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन डिपेंड करता है अलग अलग सोर्सेस ऑफ कार्बन पे, कि किससे हमें किस प्रकार का कार्बन मिलता है। तो इसको बेसिकली हम डिवाइड कर रखा है 5 टॉपिक्स के अंदर। तो पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब इतना सा होता है कि जो भी मटेरियल फूड आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर,
उसको बोलते हैं इंजेशन। अब इंजेशन के बाद में जो स्टेप आती है वो आती है डाइजेशन की। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स फूड के सब्सटेंस को छोटा कर देते हैं इनटू सिंपल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम डाइजेशन। थर्ड टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो हमने खाया है और डाइजेस्ट करा है उसको हमको इधर से उधर भेजना है। इस भेजने की प्रोसेस को या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो हम खाने से निकालने के बाद में किसी दूसरी तरफ तक पहुंचाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज असिमिलेशन। नाउ व्हाट डज द असिमिलेशन डूज इज, असिमिलेशन की मदद से यूटिलाइजेशन होता है फूड प्रोडक्ट्स का। मतलब एक सेल तक ये जो खाना एब्जॉर्ब किया है पेट के अंदर, वो हमारे लेग के सेल तक कैसे पहुँचेगा। तो वो जब पहुँचता है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, और सेल जब उस फूड को यूटिलाइज करता है एनर्जी बनाने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं असिमिलेशन। अब खाना हमने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और उसको यूज़ भी कर लिया। अब इन सब के बाद में हमारा जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है या बच जाता है, उसको बॉडी से बाहर फेंकने की प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये है कि ऐसी लॉन्ग ट्यूब जो आपके माउथ से लेकर एनस तक जाती है, सिर्फ ट्यूब जो आपके माउथ से लेकर एनस तक जाती है और जो हर एक रीजन पे अलग अलग फंक्शन करेगी, जैसे कि टंग का फंक्शन अलग होगा, माउथ का फंक्शन अलग, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका एक स्पेशल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो जो वर्क करता जाएगा उस पूरी प्रोसेस के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ से खाना होकर गुजरेगा उस प्रोसेस को, उस जगह को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, उस पूरे रास्ते को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सबसे ऊपर वाले टॉपिक से, विच इज़ नोन एज माउथ। माउथ का बेसिकली फंक्शन सबको पता है कि वो सिर्फ खाना खाने के लिए बना है। सेकंड, टीथ माउथ का ही एक पार्ट है जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस माउथ और टीथ का एक और चीज़ हेल्प करती है जिसको बोलते हैं हम टंग। ये टंग क्या करती है कि खाने को इधर से उधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रोटेट करती है, और एक और काम करती है टेस्ट करने का, जिसके कारण हम खाने को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाते हैं। अल्टीमेटली लास्ट काम एक और होता है टंग का, कि जितना भी खाना हमने मैस्टिकेट करा है, टेस्ट लिया है, उसको आपके ईसोफेगस के अंदर, जो नेक्स्ट फूड ट्यूब है या फूड पाइप है, उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी हेल्प एक और चीज़ करती है माउथ, टीथ और टंग की, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है दो चीज़, यानी कुछ चीज़ को डालती है, उसका नाम है सलाइवा एंड म्यूकस। ये सलाइवा और म्यूकस है क्या, ये एक स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल है जो आपके लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज़ और साइनस में प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण आप किसी भी चीज़ को आसानी से एनगल्फ कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज स्टार्च। एक और चीज़ इसमें स्पेशल होती है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, विच इज टाइप ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। नाउ ऑल द थिंग्स जितनी भी हमने अभी बनाई है, जैसे कि माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड की जब हम बात करते हैं, तो ये सारा मटेरियल जब कंबाइन होकर किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, एक लास्ट टॉपिक विच इज़ नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ ये कौन से वाले मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू होता हुआ वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक के अंदर। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जहाँ तक बात करते हैं, तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट आता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर आपको यहाँ पर डिवाइडेशन मिलेगा कि जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आता है, तो फूड के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, आगे जाके गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करती है। और वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस से तीन चीज़ें निकल के आती है, फर्स्ट इज़ पेप्सिन, सेकेंड इज़ HCl एंड थर्ड इज़ म्यूकस। पेप्सिन का काम यह है कि बड़े प्रोटीन मोलिक्यूल्स को छोटे प्रोटीन मोलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देना। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो ब्रेक करता है कौन से बड़े प्रोटीन मोलिक्यूल को छोटों के अंदर। सेकंड की बात करते हैं, तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम को प्रिवेल करता है। इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर जब खाना आता है, तो एसिडिक मीडियम क्या करता है, बॉडी के किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से अगर फूड के अंदर थ्रू आ गया, तो यहाँ पर HCl के अंदर आके वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज़ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये सिर्फ एक लाइनिंग है, एक स्टमक के अंदर प्रेजेंट एक वॉल है, जो क्या करती है HCl और स्टमक की दीवालों को के बीच में एक परत बना के रखती है। इस परत के कारण क्या होता है, HCl किसी भी स्टमक को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
क्योंकि HCl एक बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम होता है हमारे स्टमक के अंदर भी। अब देखा जाए तो स्टमक का एक डायग्राम आपके राइट साइड में है, तो स्टमक की जो वॉल होती है वो चार लेयर से मिलकर बनी है। बाहरी बाहर होती है सेरोसा, फिर मसल लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। बेसिकली तो तीन लेयर ही होती है, विच इज नोन एज सेरोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब स्टमक के अंदर ऊपर ही ऊपर को एक पोर्शन के अंदर डिवाइड करा है, जैसे ईसोफगस से खाना कहाँ पर आता है, अपने स्टमक के अंदर आता है, तो जो सबसे पहला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फंडस, मिडिल पोर्शन इज नोन एज रगे, और थर्ड पोर्शन को बोलते हैं पाइलोरिस, और इसके बाद में खाना कहाँ चले जाता है, डियोडिनम्स होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूएशन होता है किसका, स्टमक के आगे वाले पोर्शन का। इसके अंदर हमको मिलता है बेसिकली पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ थ्री थिंग्स। यहाँ पर तीन चीज़ों का पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। पहला बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड होता है प्रोटीन्स, और थर्ड होता है फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिक्रीशन होता है या कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो किस में कन्वर्जन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मतलब फैट्स के प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोटीन्स अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं, मतलब उंगलियों नुमा कुछ प्रोजेक्शंस या उभरे हुए कुछ लेवल्स होते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो पूरी की पूरी इंटेस्टाइन के फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको मिलेंगे। ये करते क्या है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो ब्लड करता है सारे के सारे फूड मटेरियल का उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसी भी एक इंटेस्टाइन के इनर वॉल के लिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में ये आता है कि जहाँ पर स्टमक की एंडिंग होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की बिगनिंग होती है वहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं डियोडिनम। इस डियोडिनम की एक खासियत है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं। जो पहली ग्लैंड है वो है लीवर, द सेकेंड इज गॉल ब्लैडर, और थर्ड की बात करें तो वो होती है पैनक्रियाटिक जूसेस या पैनक्रियाटिक डक्ट, सॉरी। अब यहाँ पर लीवर और गॉल ब्लेडर एक सिंगल डक्ट से होते हुए किसके अंदर खुलते हैं, डियोडिनम के अंदर खुलते हैं, और एक अलग सी एक पाइप होता है जिसके अंदर से पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास से। तो पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आपको मिलेगा एक एंजाइम जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, बड़े बड़े प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को, फैट्स के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर वर्जन, और एक और चीज़ करता है कि यहाँ पर क्योंकि पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है तो यहाँ से जो एसिडिक मीडियम होता है फूड का, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है और HCl के कारण स्टमक का जो pH लेवल हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। अगर एसिडिक मटेरियल को ही हम आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पर अल्सर्स होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जो एसिडिक लेवल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बेसिक लेवल में, क्या करने के लिए, एल्केलिनिटी मिला के। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि बड़े बड़े जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स होता है तो उनको बोलते हैं हम ग्लोब्यूल्स। ये ग्लोब्यूल्स आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकते, एंजाइम बड़े मॉलिक्यूल्स पे अटैक या काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता, उस पर वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है यूज़ में जिसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट, और ये बाइल सॉल्ट क्या करती है, बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कर देती है, जिसके कारण एंजाइम की जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। इस वीडियो के सबसे एंड वाले टॉपिक को जिसको हम पढ़ेंगे वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन होता क्या है, आपको डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा होगा कि इट हैज़ थ्री पोर्शंस, द वन इज असेंडिंग कॉलन, द सेकंड इज ट्रांसवर्स कॉलन, द थर्ड इज डिसेंडिंग कॉलन, एंड द फोर्थ वन इज नोन एज सिग्मोइड कॉलन, और अल्टीमेटली वो रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अपेंडिक्स मिलता है यहाँ पर, जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है एंड स्टार्ट to go into the लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होता है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स करता क्या है, क्योंकि पहले हम सब क्या खाते थे, जैसे हम बात करते हैं एप्स की, या जिसकी बात करते हैं कि हम जब पहले क्या थे, एप्स से डेवलप होके ह्यूमंस बने हैं, उस टाइम पे अपेंडिक्स के अंदर कुछ
बैक्टीरियाज होते थे, कुछ एंजाइम्स होते थे जो क्या करते थे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कच्चा मटेरियल जिसको बोलते हैं कच्चा मांस या कच्चा मीट खाते थे, जिसको डाइजेस्ट करने में ये मदद करते थे। अब धीरे धीरे क्योंकि एक ह्यूमन पका हुआ खाने पर जाने लगा तो धीरे धीरे वहाँ पर सारा पोर्शन जो होने लगा, यहाँ का जो स्मॉल अपेंडिक्स है उसका वर्क धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे इसकी साइज़ श्रिंक हो गई। तो आज इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले काम की थी पर अब काम की नहीं है, पर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। एक दो चीज़ और बात करेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पहली बात करते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है मेनली। मेनली का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारा का सारा डाइजेस्टिव वर्क ख़त्म हो जाता है और अल्टीमेटली कहाँ तक जाता है, कॉलन तक होता हुआ जाता है या रेक्टम तक होता हुआ जाता है और अल्टीमेटली एनस के थ्रू। रेक्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो अब यूज्ड हो चुका है, जिसमें से पानी भी सारा निकल चुका है, उसको स्टोर करने के काम आता है। एंड व्हेन द नेचर कॉल्स, आप पूरा का पूरा बॉडी का वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक देते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स वेरी वेल, बट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आई अर्ज ऑल ऑफ यू to repeat this video again for clearer understanding. If you like the video and its content, give it a thumbs up and don't forget to comment your name in the comment section. If you are unable to understand or is struggling in any of the topic, please write the topic in the comment section. I'll surely try to get to you soon. So for more of such videos, stay tuned to the channel, stay safe, stay healthy, and don't forget to learn it.